हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सर्किल हमारे टॉपिक चल रहा था और सर्किल में आज है इसका फोर्थ डे और आज मैं कोशिश करूंगा इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करने की और आज इसको एंड करने का भी मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि चार दिन हो गए ना, तो चार दिन सफिशेंट हैं किसी भी टॉपिक के लिए। खूब सारे सैम्पल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक सिंगल टाइप के क्वेश्चन भी मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों को किसी अननोन क्वेश्चन को देख कर परेशानी महसूस हो। क्लियर? तो स्टूडेंट, आप लोग पहले पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद एसआर से निकले कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिए हैं उन क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। बस शर्त यह है कि आपने लेक्चर वन से ही देखे हों तो आप लोग देख पाएंगे या एहसास कर पाएंगे कि ये तो सारे टाइप के क्वेश्चन तो सर करवा चुके हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट, मैं 40 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, देखो। एक वृत्त दे रखा है x2 + y2 + 2gx 2fy + c = 0। ये वृत्त एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर काटता है और वो दोनों ही बिंदु मूल बिंदु के विपरीत है, तो सी का मान क्या होगा? देखो कैसे, ये मान लो वो सर्किल है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वृत्त एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर काटता है। मान लो ये एक्स एक्स है, ये क्या बन गया है इसका एक्स एक्स। एक्स एक्स क्या कह रहा है क्वेश्चन? वृत्त, ये वाला जो वृत्त है एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर काटता है और वो दोनों ही बिंदु मूल बिंदु के विपरीत ओर है, यानी मूल बिंदु कहीं इसी जगह रह गया, तो मूल बिंदु के विपरीत ओर हुए ना। अच्छा, एक्स एक्स पर है तो इसलिए मान लो इस बिंदु को मैं x1, 0 और इस बिंदु को मैं क्या कह सकता हूँ, x2, 0 कह सकता हूँ ना। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये दोनों बिंदु भी मैंने लिख दिए कि ये बिंदु क्या होंगे, x1, 0 और x2, 0। डायग्राम आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बताना कि सी की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, किस प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले देखो, वृत्त दे रखा है, अगर ये एक्स एक्स को काटेगा तो एक्स एक्स पर तो वाई निर्देशांक 0 होता है। क्लियर? सिंस वृत्त एक्स एक्स को काटेगा तब वाई बराबर क्या होगा, 0, और वाई का मान इसमें 0 रखोगे तो x2 + 2gx और प्लस का c बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अगर इसके दोनों मूल x1 x2 मैं कह देता हूँ, क्योंकि इसके दोनों मूल क्या आएंगे, x1 x2 ही तो आएंगे, तो x1 + x2 ये तो आएगा माइनस का 2g, इसमें तो c आया ही नहीं। x1 × x2 क्या आएगा आपके, c आएगा, c/1 c/a। अच्छा देखो, इस वाली कंडीशन में आप लोग देखो, x1 और x2 दोनों का गुणा किसके बराबर आ रहा है, c के बराबर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ये दोनों ही बिंदु, एक तो ये और ये, मूल बिंदु के लेफ्ट और राइट में है, तो एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव नहीं होगा क्या? डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर फिर आप बताओ ना, सिंस एक पॉजिटिव व दूसरा नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तब x1 और x2 का गुणा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव अगर इसका गुणा नेगेटिव है, अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव है, तो बताओ सी नेगेटिव नहीं हो जाएगा क्या? तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो वृत्त दे रखे हैं S1 और S2 आपको दो वृत्त दे रखे हैं, एक एक स्पर्श रेखा दोनों पर इस प्रकार खींची गई, S1 और S2 पर एक एक स्पर्श रेखा खींची गई है, यदि दोनों ही स्पर्श रेखाएं लंबवत हो तो उनके प्रतिच्छेदी बिंदु का बिंदुपथ चाहिए। प्रतिच्छेदी बिंदु का क्या चाहिए मुझे, बिंदुपथ चाहिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर आप लोग इनको ध्यान से देखते हो तो पता चलता है कि ये तो दोनों ही वृत्त सहकेंद्रीय ही है, क्योंकि S1 वृत्त का केंद्र 0, 0 है और R1 भी क्या आएगी आपके, A आएगी। दूसरे वृत्त का केंद्र 0, 0 है और त्रिज्या कितनी है, तो B है। क्लियर? अब स्टूडेंट, सहकेंद्रीय दो वृत्त बना लेता हूं मैं फटाफट, ये पहला वृत्त हो गया। क्लियर? और ये एक और सर्किल हो गया, दोनों ही 0, 0 केंद्र वाले ही हैं, यानी अगर x भी बनाओ तो इस प्रकार आप बना सकते हो, ये x हो गए। क्लियर? ये x हो गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि S1 और S2 पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचनी है कि दोनों ही क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तो मैं इस पर एक पहले वाले पर एक स्पर्श रेखा ले लेता हूं। मान लो कि ये S1 है, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, उसमें कोई मेंशन नहीं कर रखा। तो मान लो ये S1 है और ये S2 है, तो मैं पहले वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ले रहा हूं। तो कोई भी एक स्पर्श रेखा ले लो, तो सबसे आसान स्पर्श रेखा तो ये है ना, ये सबसे आसान स्पर्श रेखा, क्लियर। अब दूसरे वाले व्रत पर भी आप एक स्पर्श रेखा निकाल लो, तो दूसरे वाले व्रत पर एक स्पर्श रेखा आपको इस प्रकार खींचनी है कि वो इस स्पर्श रेखा के लंबवत हो, तो फिर इसके स्पर्श रेखा के लंबवत हो, ये ठीक रहेगी ना, ये वाली, क्लियर। मुझे इस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है, मुझे इस बिंदु का क्या निकालना है, बिंदु पथ। अब ध्यान से देखना मैं कैसे करने वाला हूं। ये जो पहला वाला व्रत मैंने लिया है S1 व्रत, इसका डायग्राम मैं थोड़ा बड़ा बनाकर और अच्छा समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आंसर तो इसी में छुपा हुआ है। ये तो हो गया आपके S1 व्रत और ये हो गया हमारे XX और YX। अब एक और व्रत बना रहा हूं मैं, S2 व्रत। ये आपके S2 व्रत हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले व्रत पर आप एक स्पर्श रेखा खींचो, ये पहले व्रत की एक स्पर्श रेखा हुई, फिर इस दूसरे व्रत पर भी एक स्पर्श रेखा खींचनी है, दोनों ही व्रत पर एक एक स्पर्श रेखा खींचनी है यदि दोनों ही लंबवत हो। तो अगर दोनों ही लंबवत हो तो फिर दूसरी स्पर्श रेखा आप इस प्रकार खींचो ना, ये दूसरी स्पर्श रेखा गई, ये क्या आ जाएगी आपकी दूसरी स्पर्श रेखा। अब स्टूडेंट यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो इस बिंदु का बिंदु पथ निकालना, क्लियर। S1 कौन सा है, ये S1 है। अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि बताओ S1 पर ये बिंदु क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए कि सर ये बिंदु 0A होगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा आपके 0A होगा। और अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि बताओ ये जो S2 है इस पर ये बिंदु क्या होगा, तो ये बिंदु B0 होगा, ये बिंदु क्या होगा B0, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, B है। अब एक बात बताओ, अगर ये B0 है तो B0 बिंदु से YX के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो इसका समीकरण हो जाएगा X बराबर B, और इस T1 का समीकरण क्या हो जाएगा, तो 0A से जाने वाली, तो इसका समीकरण हो जाएगा आपके Y बराबर A। तो बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, BA हो गए, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए आपके, BA हो गए। अब स्टूडेंट यहाँ पर इस बिंदु का बिंदु पथ निकालना, देखो देखिए जो भी आंसर आएगा उसका, जो भी आंसर आएगा वो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो देखिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की जगह b और y की जगह आप रख दो a, तो क्या ये वाला संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ये वाला कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या ये वाला कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बिंदु पथ वाले क्वेश्चन के लिए मैं बिल्कुल एक अलग अप्रोच आप लोगों के माइंड में सेट करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि बिंदु पथ वाले मैक्सिमम क्वेश्चन लिए जाएं, क्योंकि बिंदु पथ वाले क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड बहुत कम होते हैं। तो ये जैसे जैसे कहता है आप एक पर्टिकुलर बिंदु पर पहुंच जाओ बस, और उस बिंदु को संतुष्ट करवा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 0 0 से इस वृत्त पर ओपी व ओक्यू स्पर्श रेखा खींची जाए, तो त्रिभुज ओपीक्यू का आपको क्या निकालना, परिकेंद्र निकालना है। ये आपको एक सर्किल दे रखा है, S1 एक सर्किल दे रखा है, क्लियर, और जिसका केंद्र आपको दे रखा है -1, -2, और R1 आपको क्या दे रखी है 1 + 4 - 1 यानी 2 दे रखी है, केंद्र और त्रिज्या दोनों दे रखी है। अब एक बिंदु दे रखा है O, अच्छा ये आउटसाइड है कि इनसाइड है, तो 0 0 इसमें रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब आउटसाइड का पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो गया आपके 0 0। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 0 से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो ये स्पर्श रेखाएं हम खींच देते हैं OP व OQ, और ऑब्वियसली दो स्पर्श रेखाएं कहां से खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से ही खींची जा सकती है और कहीं से भी नहीं खींच सकते, ये एक स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 0 से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, OP और OQ स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो OP और Q
इस वृत्त का परिकेंद्र, इस त्रिभुज का परिकेंद्र चाहिए। परिकेंद्र क्या करता है? इन तीनों को कवर करता है। तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? सोचो स्टूडेंट, ये काम कैसे किया जा सकता है? सोचो, जीरो जीरो ओपीक्यू का मुझे क्या चाहिए? परिकेंद्र चाहिए। तो परिकेंद्र कैसे निकाल सकते हो आप? तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इस रेखा का समीकरण निकाल ही सकता हूं ना, इस रेखा का समीकरण निकाल ही सकते हैं, पी क्यू रेखा का। फिर मैं क्या करूंगा कि जो हमें वृत्त निकालना है, वो वृत्त कहां से जाएगा? यहीं से तो जाएगा। वो वृत्त कहां से जाएगा? तो वो वृत्त आपके ये वाला ही होगा, यानी आपको ये वाला जो सर्किल है इसका समीकरण निकाल, इसका केंद्र निकालना है। तो स्टूडेंट इस काम को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इस बाह्य बिंदु से स्पर्शी जीवा का समीकरण निकालने वाला हूं, टी बराबर जीरो। क्लियर? स्पर्शी जीवा का समीकरण निकाल लेते हैं। जीरो जीरो से खींची स्पर्शी जीवा, स्पर्शी जीवा क्या आ जाएगी? एक्स एक्स वन, वाई वाई वन प्लस एक्स एक्स प्लस, सॉरी गुणांक आएगा आधा, यानी वन और एक्स प्लस जीरो, टू वाई प्लस जीरो और प्लस वन बराबर में जीरो। क्या आ जाएगा? एक्स प्लस टू वाई प्लस वन बराबर जीरो। ये एल रेखा आ गई आपके, और ये एस वन आपको वृत्त दे रखा है। क्लियर? अब स्टूडेंट अगर मैं आपको ये पूछूं कि एस वृत्त और एल रेखा से जाने वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा, क्योंकि ये जो हम निकालना चाहते हैं रेड वाला, ये एस और एल रेखा के कटान से तो जा रहा है, तो मैं ये निकाल लेता हूं ना। तो एस व एल से जाने वाला वृत्त ये हो जाएगा एस प्लस लेमडा एल बराबर जीरो। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन प्लस लेमडा एक्स प्लस टू वाई प्लस वन बराबर में जीरो। क्लियर? अब ये जो व्रत हम निकालने वाले हैं, ये जो व्रत मैं निकाल रहा हूं, ये व्रत कौन सा है? तो ये व्रत आप एस डेस कह सकते हो, जैसे हम ये वाला निकाल रहे हैं एस डेस, तो ये वो एस डेस ही तो चल रहा है। तो स्टूडेंट अगर ये निकालना है आपको, तो इसमें लेमडा का मान कैसे निकालोगे? तो लेमडा का मान ये जो एस डेस है जीरो जीरो से भी तो जाना चाहिए, तो जीरो जीरो को संतुष्ट करवा दो। क्लियर? जो जीरो जीरो से जाता है, अतः संतुष्ट कराओगे तो वन प्लस लेमडा बराबर जीरो, लेमडा का मान क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा। अभी लेमडा का मान इसमें रखोगे तो एस डेस का समीकरण आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू एक्स और माइनस एक्स प्लस एक्स, फोर वाई और माइनस टू वाई प्लस टू वाई, और वन और माइनस वन जीरो। तो ये समीकरण आ गया। अब आपको इसका क्या चाहिए? केंद्र चाहिए। तो इसका केंद्र क्या आ जाएगा आपके? ये आ जाएगा माइनस के वन बाई टू कोमा माइनस वन। तो ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो नॉप दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बस। क्लियर? तो स्टूडेंट ध्यान से समझें, यहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझने की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है कि हमें पूरा क्लू नहीं मिलता है, तो चीज़ें हमें ढूंढनी पड़ती है। क्लियर? क्वेश्चन क्या था कि जीरो जीरो से ओ क्यू और ओ पी स्पर्श रेखा खींची जाए, तो त्रिभुज ओ पी क्यू इसके परिवर्त का मुझे परिकेंद्र चाहिए। तो मैं ओ पी क्यू को बाउंड करने वाला परिवर्त ही निकाल लेता हूँ ना। और अगर आपको परिवर्त चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने पहले पी क्यू रेखा का समीकरण निकाला, फिर मैंने एस और इस पी क्यू रेखा से जाने वाले व्रत एस प्लस लेमडा एल का समीकरण लिखा, और फिर एस प्लस लेमडा एल को जीरो जीरो से गुजार दिया। तो परिवर्त तीनों का हो गया ना, पी क्यू को तो बाउंड कर ही रहा था, फिर जीरो जीरो से जाते ही पहले जीरो जीरो को भी कवर कर लेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि थ्री के त्रिज्या का एक व्रत जीरो जीरो से जाता है और अक्षों पर ए और बी लंबाई के अंतखंड काटता है, ये तो हो गए एक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि थ्री के त्रिज्या का, तो थ्री के त्रिज्या का मैं एक वृत्त बना लेता हूं। थ्री के त्रिज्या का एक वृत्त जीरो जीरो से जाता है, ये जीरो जीरो से जाता है और अक्षों पर, अक्षों को ए और बी पर काटता है, तो त्रिभुज ओ ए बी के केंद्र का बिंदु पर चाहिए।
तो कैसे निकालेंगे देखो, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का है, क्लियर। और ये क्या कह रहा है कि 3 के त्रिज्या है, तो ये कोण 90 डिग्री का है, तो ए बी व्यास नहीं होगा क्या? डेफिनेटली ए बी व्यास हो जाएगा। और अगर ए बी व्यास है तो व्यास की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ये क्या कह रहा है, त्रिज्या 3 के है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 6 के हो जाएगा। तो 3 के त्रिज्या का वृत्त 0, 0 से जाता है और अक्षों को ए बी पर काटता है। तो अगर अक्षों को ए बी पर काटता है तो ये बिंदु ए 0 और इस बिंदु को 0, 0 बी मान लो ना, इसको हम क्या मान सकते हैं? 0 बी मान सकते हैं, क्लियर। तो देखो, लेट ए बिंदु आपके ए 0 हो जाएगा और बी आपके क्या हो जाएगा? 0, B हो जाएगा, क्लियर। सिंस ओ एंगल कितना है आपके? 90 डिग्री, तो ए बी क्या होगा आपके? व्यास होगा। और अगर ए बी व्यास है, अगर ए बी व्यास है तो बताओ क्या शर्त होगी? तो व्यास ए बी अगर व्यास है तो फिर अंडरवुड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो आपके कितना होगा? 6 के बराबर होगा, क्योंकि व्यास हो जाएगा तो 3 के का दुगना हो जाएगा। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई? 36 के स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपको त्रिभुज ओ ए बी के केंद्रक का बिंदुपथ निकालना है। तो आप क्या करोगे, माना इसका केंद्रक एच के है, माना त्रिभुज ओ ए बी का केंद्रक एच के है, तो अपने अनुसार एच के हमने मान लिया, तो बताओ इन तीनों जो बिंदु हमने माने इसके अनुसार केंद्र क्या होगा? इसके अनुसार केंद्र हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी a बाई 3, y1 y2 और y3 इट मीन्स b बाई 3, और बराबर में क्या आ जाएगा आपके? h के आ जाएगा। तो a बराबर तो आ जाएगा आपके 3h और b बराबर भी आपके कितना आ जाएगा? 3 के आ जाएगा। तो ये a और b का मान समीकरण 1 में रख दो, तो a व b को इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ तो ये आ जाएगा आपके 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर बराबर में 36k स्क्वायर, 36k स्क्वायर। देखो एक गड़बड़ हो जाएगी अपने, क्योंकि एच के जो मैंने बिंदु माना ना, तो के इसमें भी संकेत मान रखा है, तो मुझे यहाँ पर इस बिंदु को एच के नहीं मानकर एक्स वाई कहना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि के तो इसने संकेत काम में ले लिया ना। तो ए बराबर फिर 3x होगा और बी बराबर 3y होगा, तो ये 9x स्क्वायर और 9y स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके? 4k स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर आ गया, क्लियर। दोबारा देखो क्या कह रहा है, 3k त्रिज्या का वृत्त 0, 0 से जाता है, यानी ये जो 3k त्रिज्या का वृत्त 0, 0 से जाता है और अक्षों को ए बी पर काटता है, यानी ए और बी को काटता हुआ जाएगा ना, एक्स एक्स और वाई एक्स को दोबारा काटता हुआ जाएगा। अब मुझे इसके केंद्र का बिंदुपथ चाहिए, तो एक्स एक्स को ए पर काटता तो ए 0 हो गया और बी पर काटता तो 0, B हो गया, क्लियर। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इसका व्यास होगा, क्यों होगा भाई? ये 90 डिग्री का अगर एंगल है तो फिर ये व्यास हुआ ना, और व्यास का मान 6K बराबर होगा, 6K के बराबर होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया। दूरी सूत्र से ए बी के बीच में दूरी कितनी होगी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होगी आपके? 6K के बराबर। तो वर्क करने पर ये आ गया। फिर मुझे केंद्रक का बिंदुपथ चाहिए ना, तो केंद्रक के निर्देशांक मैंने क्या मान लिया? एक्स वाई, और फिर ये जो ओ ए बी है इससे भी मैंने केंद्रक निकालकर तुलना करवा दी और जो ए बी का मान आया उसको 1 में रख दिया, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 बिंदु दे रखे हैं आपको, 2K 3K 1, 0, 0, 1 और 0, 0। अगर ये चारों बिंदु एक ही वृत्त पर हैं तो के का मान हमसे पूछ रहा है। सोचो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे? अच्छा, 3 वृत्त से एक ही वृत्त जा सकता, 3 बिंदुओं से केवल और केवल एक ही वृत्त जा सकता है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जो 3 इजी बिंदु दिख रहे हैं ना, दूसरा तीसरा और चौथा, इनसे जाने वाले एक वृत्त का समीकरण निकाल लेता हूँ और फिर इसमें संतुष्ट करवा दूंगा। कैसे करूँगा देखो, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि बिंदु 0, 0 कहाँ है, तो ऑब्वियसली ये रहा 0, 0 बिंदु, फिर 1, 0 कहाँ पर है, तो ये रहा 1, 0 बिंदु और ये 0, 1 हो जाएगा। तो इसको कवर करने वाला, इन 3 बिंदुओं से जाने वाला व्रत कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला व्रत होगा जो इन तीनों को कवर करेगा, क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया आपके,
जीरो जीरो और ये हो गया आपके 1 0 और ये क्या हो गया 0 1। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इन तीनों बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण निकाल लेता हूँ। कैसे निकालोगे? अरे भाई ये फिर से व्यास नहीं हो गया क्या? क्योंकि 0 0 तो आपके मूल बिंदु हो गया, एक बिंदु x एक्स पर और एक बिंदु y एक्स पर है, तो फिर व्यास हुआ ना। और व्यास रूप में वृत्त का समीकरण कैसे निकालोगे? तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इस बिंदु को ए बी सी और डी कह दूं, तो बी सी डी से जाने वाला वृत्त ये हो जाएगा आपके बी, सॉरी ये हो जाएगा आपके बी, ये हो जाएगा आपके सी। तो बी सी व्यास होगा, अतः वृत्त क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण हो जाएगा आपके x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन और वाई माइनस वाई टू बराबर जीरो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई बराबर में जीरो आ गया। ये वृत्त का समीकरण निकाल लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि चार बिंदु एक ही वृत्त पर है, यानी एक बिंदु और है, कौन सा, 2k और 3k। मैंने इस बिंदु को पहले काम में क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बिंदु अपने आप में पहले ही k में उलझा हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई तीन बिंदुओं से जाने वाला वैसे भी एक यूनिक ही व्रत होता है, तो पहले तीन बिंदुओं से जाने वाला व्रत का समीकरण निकाल लेते हैं और चौथे को संतुष्ट करवा देंगे। क्लियर? तो मैं ये संतुष्ट करवाने वाला हूँ। सिंस 2k 3k भी वृत्तीय है तो संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कराओगे तो क्या आ जाएगा आपके, ये बन जाएगा आपके 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k बराबर जीरो। तो 13k स्क्वायर और माइनस का 5k बराबर में जीरो। तो k की अगर k कॉमन लेता हूँ मैं तो यह आ जाएगा 13k माइनस 5 बराबर जीरो। तो k का एक मान तो आ जाएगा जीरो और k का मान आ जाएगा 5/13। k का मान जीरो हो नहीं सकता क्योंकि k का मान जीरो हो गया तो फिर ये बिंदु ही जीरो जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो फिर ये तो हो गया गलत, ये तो हो गया गलत। अब k का मान क्या बचा, 5/13। और 5/13 ये जो बचा है ना, ये 0 और 1 के बीच की ही संख्या है। क्योंकि पहला वाला तो क्या कह रहा है कि k का कोई भी मान ले लो, k का कोई भी मान ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, दो ही तो मान है। फिर ये कह रहा है कि k के दो मान, अब दो मान भी नहीं ले सकते हो, रीजन क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 होते ही पहले तो ये चौथा बिंदु रहेगा ही नहीं, तो इसलिए ये भी खत्म हो गया। फिर क्लियर? फिर ये कह रहा है कि k का मान नेगेटिव होना चाहिए, कहाँ है नेगेटिव, पॉजिटिव है। तो फिर ये कह रहा है कि k का मान 0 से 1 के बीच में, तो डेफिनेटली सही कह रहा है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 48 वाला पॉइंट दे रखा है 10.7। इसकी इस बिंदु की इस वृत्त से अधिकतम दूरी निकालनी है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले इस बिंदु को इस वृत्त में रखो कि ये बाह्य बिंदु है कि आंतरिक बिंदु है, ये तो पता चले। तो जब मैं 10.7 वृत्त में रखता हूँ, 10.7 वृत्त में अगर आप रखते हो तो ये आ जाएगा 100 प्लस 49 माइनस 40 माइनस 14 और माइनस का 20। 149 में से इतना घटाओगे तो ग्रेटर देन ही आएगा। इट मीन्स 10.7 बाह्य बिंदु है, ये क्या हो जाएगा आपके, बाह्य बिंदु हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको एक तो न्यूनतम दूरी पूछी जा सकती है, एक अधिकतम दूरी पूछी जा सकती है। तो कैसे निकालोगे, ये आपके वो सर्किल हो गया, ये क्या हो गया आपके वो सर्किल हो गया, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो कितना है, 2 1 है। सर्किल का सेंटर कितना हो गया, 2 1 हो गया, केंद्र 2 1, और त्रिज्या की अगर मैं बात करूँ तो अंडर रूट में 4 + 1 + 20 यानी 5 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो गई इसकी, 5 हो गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु है यहाँ पर 10.7, बाहर है ना तो कहीं भी लिख दो बाहर, इसकी अधिकतम दूरी निकालनी है। तो स्टूडेंट अगर न्यूनतम दूरी निकालनी होती है ना तो इस बिंदु की इस बाउंड्री से दूरी निकालनी पड़ती है, और अधिकतम दूरी निकालनी होती है तो ये और ये दूरी निकालनी पड़ती है। तो ये दूरी कैसे निकालोगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बिंदु की केंद्र से दूरी निकाल लेनी है और उसमें ये त्रिज्या वाला भाग और जोड़ देना है, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है तो फिर इस बिंदु की इससे दूरी निकाल लो और त्रिज्या कम कर दो। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर मैं इस बिंदु को ए और इस बिंदु को सी कह दूं तो एसी दूरी कितनी आएगी, देखो एसी दूरी अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर, तो 64 और 36। तो एसी का मान कितना आ गया आपके, 10 आ गया।
अब यहाँ पर ये और जोड़ दो आप बी बिंदु को, क्लियर। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके 10+5 यानी 15 आ जाएगी। न्यूनतम दूरी निकालनी होती तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए 10 में से 5 कम कर देते आप, तो दूरी कितनी आ जाती 5 आ जाती, क्लियर। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करिए क्या कह रहा है। तीन रेखाएं दे रखी है और इन तीनों रेखाओं से जाने वाले परिवृत्त का आपको समीकरण चाहिए। परिवृत्त का क्या चाहिए आपको? समीकरण चाहिए, ठीक है। वृत्त का समीकरण चाहिए तो केंद्र और त्रिज्या चाहिए होंगे, और तो क्या। यही तो होता है कि किसी भी वृत्त का समीकरण अगर आपको निकालना है तो उसके केंद्र और त्रिज्या की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ये तीनों जो रेखाएं दे रखी है ना, जैसे कि अगर मान लो यहां पर हमें परिवृत्ति तो निकाला था, ये परिवृत्ति तो निकाला था, P बिंदु से भी जाता है, Q बिंदु से भी जाता है और O बिंदु से भी जाता है, तो ये परिवृत्ति तो था, क्लियर। तो यहां पर भी मुझे तीन रेखाओं से जाने वाला परिवृत्त चाहिए। तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इन तीनों रेखाओं के, मान लो ये L1 रेखा है, एक L2 रेखा और L3 रेखा, तीनों का क्या निकालने वाला हूं, कटान बिंदु निकाल लेता हूं, क्लियर। और फिर कटान बिंदु अगर आ गए, तीन बिंदु आ गए, तो तीन बिंदुओं को हम तीन बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण निकाल लेंगे। तो यहां पर मैं सबसे पहले कटान बिंदु निकाल लेता हूं, तो मैं निकाल लेता हूं L1 व L2 का, L1 व L2 का कटान बिंदु निकाल लो भी। तो कटान बिंदु ऐसे ही मौखिक ही निकाल लो, देखो दोनों को जोड़ने पर अंडर रूट 3x कट जाएगा, लेफ्ट में तो आएगा 2y और राइट में आएगा 12, तो 2y बराबर 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 6 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ऐसे ही L1 व L3 का, L1 और L3, ये L1 और ये L3, तो y का मान तो क्या है 0, और y का मान इसमें 0 रखोगे तो 6/2 अंडर रूट 3, इसको अगर आप अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हो तो 6 अंडर रूट 3 अपॉन में 3 यानी 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, क्लियर। और L2 व L3 का अगर आप कटान बिंदु निकालोगे तो कितना आ जाएगा, y का मान तो 0 और माइनस का 2 अंडर रूट 3 कोमा 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको इन तीनों बिंदुओं से, अगर मान लो मैं इस बिंदु को A, इसको B और इसको C कह दूं, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि A, B, C से जाने वाले परिवृत्त का समीकरण चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं भाई, प्रॉपर मेथड तो क्या कहता है कि आप एक समीकरण मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 सामान्य रूप में, और तीनों बिंदुओं से संतुष्ट करवा दो, आपके g, f और c के मान आ जाएंगे। एक मैं ये कह रहा हूं कि आप संतुष्ट करवा के देख लो कि तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करने वाले कितने ऑप्शन हैं। इसे अगर एक से ज्यादा हुए तो प्रॉपर मेथड पर चलेंगे, और एक ही मेथड अगर एक ही ऑप्शन संतुष्ट करता तो फिर आगे क्यों बढ़ेंगे। तो 0, 6 को कौन संतुष्ट कर रहा है, तो x बराबर 0 और y बराबर 6 रखोगे तो 36 माइनस 24 0 होता है क्या, नहीं होता, ये तो गलत हो गया। x बराबर 0 रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और y का मान 6 रखोगे तो 36 0 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। ये रखो 0, 6, 0, 36 माइनस 24, 12, 12 बराबर 12, ये हो सकता है, एक बार इसको भी चेक कर लेता हूँ। 0, 6 रखोगे तो 0 और 0, 36 बराबर 12 होता क्या, नहीं होता है, यानी एक बिंदु से ही काम चल गया। अब ये ऑप्शन ऐसा होगा जो बी को भी संतुष्ट करेगा और सी को भी संतुष्ट करेगा, डेफिनेटली मतलब बी और सी बिंदु को संतुष्ट करने वाला है, ये सी ऑप्शन ही है। तो ये आपके आंसर हो गया बस। अगला सवाल क्या है कि एस वन और एस टू का प्रतिच्छेदी कोण निकालना है, दोनों का प्रतिच्छेदी कोण आपको निकालना है, कैसे निकालोगे देखो। दो वृत्तों का प्रतिच्छेदी कोण निकालना आपको, एक मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, हालांकि इसका प्रॉपर मेथड भी है और प्रॉपर मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन अगर मान लो कई बार क्या होता है कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं या ये चाहते हैं कि यार इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे, तो उसका कुछ अल्टरनेट भी अपने पास होना चाहिए। और वो अल्टरनेट क्या है, देखो ये पहला वाला व्रत है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि S1 और S2, मान लो ये S1 है और ये S2 है, इनका प्रतिच्छेदी कोण निकालना है। यहां पर आपको प्रतिच्छेदी कोण निकालना है, तो प्रतिच्छेदी कोण कैसे निकालोगे सोचो स्टूडेंट, ये कोण आप किस तरीके से निकाल सकते हो। एक मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं, अगर आपने तांडव बेच ज्वाइन कर रखा है और अगर आप वेक्टर कैलकुलस भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो सरफेस के बीच में एंगल निकालने का बहुत शॉर्ट में फॉर्मूला है, ग्रेडियंट ऑफ S1 डॉट ग्रेडियंट ऑफ S2
अपॉन मोड ऑफ ग्रेडियंट एस वन और मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एस टू, ये फॉर्मूला होता था। और अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर अभी अपने पास एक फॉर्मूला और है, और वो क्या है स्टूडेंट कि अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर टू जी वन जी टू प्लस एफ वन एफ टू और माइनस सी वन प्लस सी टू अपॉन में टू अंडर रूट में जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी वन और जी टू स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस में सी टू। क्लियर? तो अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ जी वन कितना है तो 4 है, एफ वन कितना है तो माइनस वन है, सी वन कितना है तो माइनस नाइन है, और ऐसे ही जी वन एफ वन की वैल्यू हो गई माइनस वन और सी वन की वैल्यू हो गई माइनस के नाइन। ऐसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि जी टू कितना है तो माइनस वन है, एफ टू कितना है तो 4 है और सी टू कितना है तो माइनस का 7 है। क्लियर? ये वैल्यू इसमें रख दो, आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा 2 जी वन इंटू जी टू यानी माइनस 4, एफ वन इंटू एफ टू यानी माइनस 4 और माइनस में सी वन प्लस सी टू यानी माइनस 9 और माइनस का 7 अपॉन में अंडर रूट में हम निकाल लेते हैं जी वन स्क्वायर प्लस एफ वन स्क्वायर माइनस सी, जी वन स्क्वायर यानी 16 प्लस 1 और प्लस का 9। ऐसे ही दूसरे वाले की निकालोगे तो जी टू स्क्वायर 1 और प्लस 16 और प्लस में 7। बस इसको सोल्व कर लो, अभी पता चल जाएगा। तो अगर हम ऊपर नोटिस करते हैं तो ऊपर हो गया माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का 16 कोस थीटा बराबर माइनस 16 और प्लस 16, ऊपर तो आ गया 0 और ऊपर 0 आ गया तो फिर नीचे देखने की जरूरत ही क्या है। तो बताओ थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 54 तक के क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर बिना किसी देरी और फॉर्मेलिटी के क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। मैं फोर्थ डे में चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेहनती स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली मेरी बातों को आप एज इट इज़ मानते होंगे और उनको आप फॉलो भी करते होंगे। क्लियर? और जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगी कि आप कितने गहरे पानी में और आप कितनी सीरियस स्टडी करते हैं। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब स्टूडेंट 61 वाले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और क्या है 61 वाला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एक रेखा दे रखी है जो इस वृत्त का एक अभिलंब है, ये एक सर्किल आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेखा इसका अभिलंब है। अभिलंब हमेशा कहां से जाता है, केंद्र से जाता है। अभिलंब हमेशा कहां से जाता है, केंद्र से जाता है। यह रेखा इस वृत्त का एक अभिलंब हो तो वृत्त द्वारा इस रेखा पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई निकालनी है। बताओ कितनी होगी? क्या यह अंतःखंड आपको व्यास नहीं दिख रहा है? तो व्यास है तो फिर 2R कौन है, इसको हो गया काम। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, एक रेखा दे रखी है आपको और आपको बताना है कि यह रेखा कौन से व्रत का अभिलंब है, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये तो हो गया आपके वो सर्किल जिसका समीकरण आपको निकालना है, और ये हो गया वो बिंदु जो आपको दे रखा है जिसको मैंने ए नाम दे दिया। हमें क्या बताना है कि हमें उस व्रत का समीकरण निकालना है जिसके लिए दी गई रेखा एक अभिलंब का काम करेगी। ये दी गई रेखा किसका काम करेगी, अभिलंब का काम करेगी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपको केंद्र निकाल लेना चाहिए और फिर देख लेना चाहिए कि केंद्र किसको संतुष्ट करना है। भाई जो भी व्रत होगा उसका केंद्र इस रेखा पर होगा क्योंकि अभिलंब है। और एक और आप काम कर सकते हो कि ये बिंदु व्रत के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखो देखिए ये बिंदु इस पहले वाले को संतुष्ट कर रहा है क्या, तो एक्स की जगह जब ये रखोगे ना तो 3 से 3 कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। y की जगह ये रखोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो 0 बराबर होता है क्या, नो, यानी ये बिंदु इसकी बाउंड्री पर है ही नहीं, यानी ये तो आंसर है ही नहीं बिल्कुल। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर बाकी के समीकरण तो छोटे छोटे दिख रहे हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा था आपको कि इनका जिनका भी केंद्र इस पर होगा ना वो अपना आंसर होगा।
तो इसका केंद्र क्या है, 3√2 और 3√2, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो 3√2 और 3√2 जब आप इसमें रखोगे एल रेखा में 3√2 − 3√2 और प्लस का 3 = 0, तो ये कट जाएगा। 3 होता है क्या 0 के बराबर? नहीं होता, यानी इसका केंद्र इस रेखा पर है ही नहीं, तो ये इसका विलंब ही नहीं। इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र है 0,3, इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? 3 − 0 + 3, तो ये 0 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र आपके 3,0, 3,0 जब आप इसमें रखोगे तो x बराबर तो 3 और y बराबर 0 रखोगे तो 0 − 3 + 3 संतुष्ट कर रहा है, यानी डी ऑप्शन का, डी का केंद्र एल पर है, अतः अभिलंब है, अभिलंब अतः यह वृत्त, बस ठीक है, इतना ही ठीक है। डी का केंद्र एल को संतुष्ट करता है, एल को संतुष्ट करता है, यूं लिख दो बस। अब कोई ये कहे कि सर ए वाले ऑप्शन का भी केंद्र इसको संतुष्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, देखो 3 + 3√2 और, 3√2, ये पहले वाले व्रत का केंद्र है। अगर आप इसको रखते हो तो 3√2 − 3 − 3√2 और + 3, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो संतुष्ट तो ये भी कर रहा है। अरे भाई संतुष्ट तो कर रहा है, लेकिन ये जो इस व्रत का केंद्र इस रेखा को तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन इस बिंदु से नहीं जा रहा है, तो इस बिंदु से भी तो जाना चाहिए, तो स्टूडेंट इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहां पर आप लोग सामने देखिए कि कैसे मैं करने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो प्रॉपर मेथड खूब हो गए, प्रॉपर मेथड से काफी टाइम लगता है, इस तरीके से ही हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, S1 और S2 दो व्रत दे रखे हैं और इनके कटान से जाने वाले व्रत का समीकरण चाहिए। मान लो ये S1 व्रत है और ये S2 व्रत है, दोनों इस बिंदु पर कट रहे हैं ना, मुझे इनके कटान से जाने वाले व्रत का समीकरण चाहिए। ये यहां पर बना लेता हूं मैं, ये S1 व्रत और ये हो गए आपके S2 व्रत। क्वेश्चन कह रहा है कि S1 व S2 के कटान से जाने वाले, ये कटान से जाने वाले उस व्रत का समीकरण हमें निकालना है जिसका केंद्र y बराबर x वाली रेखा पर हो। तो स्टूडेंट ये जो व्रत है ना, इसको मैं S नाम दे देता हूं, तो S का समीकरण आप कैसे निकालोगे, S1 + λ S2 से। S का समीकरण हो जाएगा आपके S1 + λ S2 = 0 से, क्लियर। तो स्टूडेंट S1 + λ S2 = 0 से अगर इसका S का समीकरण आएगा तो फिर लेमडा का मान कैसे निकालोगे, तो लेमडा का मान इसमें संतुष्ट करवा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके x² + y² − 6x + 2y + 4 और प्लस में लेमडा x² + y² + 2x − 4y − 6 = 0, क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर x² में से x² अगर आप कॉमन लेते हो, तो अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो 1 + λ, अगर मैं y² कॉमन लेता हूँ तो 1 + λ, और अगर मैं x कॉमन लेता हूँ इनमें से −2x कॉमन ले लो, अगर आप 2x कॉमन लेते हो तो ये बचेगा आपके λ − 3, अगर आप 2y कॉमन लेते हो तो ये बचेगा आपके 1 − 2λ और फिर 4 − 6λ = 0 आ जाएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर समीकरण क्या आ जाएगा, x² + y² + 2x λ − 3 / λ + 1 और 2y − 2λ / 1 + λ और 4 − 6λ / 1 + λ = 0। ये उस व्रत का समीकरण आ गया जिसका समीकरण हम, मतलब ये उस व्रत का समीकरण है जो हम निकालना चाहते हैं, लेकिन इसमें अभी लेमडा ज्ञात है। लेमडा कैसे निकालोगे, तो ये जो व्रत है इसका केंद्र इस रेखा पर है, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा आपके −g − f, इट मीन्स x के गुणांक का आधा कर माइनस से गुणा करवाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 3 − λ / λ + 1 और −f, ये आ जाएगा 2 λ − 1 / λ + 1, जो y बराबर x पर होगा, y बराबर x पर होगा, तो
तो इनको जब बराबर रखोगे, 3 माइनस लेमडा प्लस 1 और 2 लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1, इससे तो ये कट जाएगा। और जब इसको सरल करोगे तो 3 लेमडा बराबर में कितना आ जाएगा आपके, 4 आ जाएगा। तो लेमडा का मान आ जाएगा 4/3 और लेमडा का मान इसमें रख दो आप 4/3, जो भी आपके आंसर होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। वैसे मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ कि जो भी ऑप्शन होगा उसका केंद्र इसको संतुष्ट करना चाहिए, बस अगर संतुष्ट कर जाता है तो ये भी एक बेस्ट मेथड है। अब लेमडा का मान किस में रख देना, इस समीकरण में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट 68 वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और क्या है, देखो वृत्त का केंद्र 0-0 है। एक वृत्त का केंद्र क्या है, 0-0 है, जो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता है, जिसकी माध्यिका की लंबाई दे रखी है 3a, तो उसका समीकरण क्या होगा। मैं एक वृत्त बना लेता हूं, देखो तो मैं एक सर्किल बना लेता हूं सबसे पहले, और इसमें मैं बना लेता हूं एक समबाहु त्रिभुज। ये बन गया आपके एक समबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र 0-0 है, केंद्र आपको क्या दे रखा है, 0-0 दे रखा है। क्लियर? एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों से गुजरता है, जिसकी माध्यिका की लंबाई आपको कितनी देर की है, 3a देर की है। ये कितनी देर की आपको, 3a। अगर मैं इसको a और इसको p कह दूं तो AP की लंबाई आपको कितनी देर की है, 3a देर की है। तो आपको इस वृत्त का समीकरण चाहिए। अब वृत्त का समीकरण आपको निकालना तो केंद्र के साथ त्रिज्या भी तो चाहिए, तो केंद्र तो आपको दे रखा है, अब त्रिज्या ही तो निकालनी है। तो स्टूडेंट यहां पर एक बात बताओ, AP की लंबाई आपको कितनी दे रखी है, 3a दे रखी है, और आपको ये पता होना चाहिए कि AC और CP का अनुपात क्या होगा, 2:1 ही तो होगा, माध्यिका केंद्र से 2:1 में विभाजित होती है। क्लियर? यह यूं कह सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज का केंद्र और इस वृत्त का केंद्र एक ही जगह होगा। समबाहु त्रिभुज का केंद्र, समबाहु त्रिभुज का तो केंद्रक और इस वृत्त का केंद्र एक ही जगह होगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इस वजह से। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, AC अनुपात CP बराबर 2:1 होगा। तो यहां पर AC कितनी हो जाएगी, फिर AC अपने आप ही 2a हो जाएगी ना, क्योंकि टोटल 3a है, तो 2a ये हो जाएगी और ये a हो जाएगी, तो फिर त्रिज्या आ गई ना, r बराबर कितना हो गया, 2a हो गया। तो वृत्त क्या हो जाएगा आपके, ये आ जाएगा x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर बराबर में 4a स्क्वायर, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? 69 देखिए आप, 20 से जाने वाले वृत्त का, 20 से जाने वाला वृत्त जो एक्स एक्स पर 5 इकाई का अंतःखंड काटता है, 20 से जाने वाला वृत्त जो एक्स एक्स पर 5 इकाई का अंतःखंड काटता है और केंद्र उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो उसका समीकरण निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। मैं यहां पर बनाने वाला हूं सबसे पहले एक्स एक्स, एक तो मैं बना लेता हूं एक्स एक्स, और ये वाई एक्स है। 20 से जाने वाला, तो ये 20 पॉइंट हो गया। इससे जाने वाले उस व्रत, जाने वाला व्रत जो एक्स एक्स पर 5 इकाई का अंतःखंड काटता है, एक बात बताओ, ये 20 है, और अगर अंतःखंड 5 का लेना तो फिर अगला बिंदु आपके 7-0 नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि आपको ये अंतःखंड कितना रखना है, 5 इकाई का रखना। आप पीछे भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये कह रहा है कि केंद्र फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फिर आपको आगे ही जाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो 20 से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण जो एक्स एक्स पर 5 इकाई का अंतःखंड काटता है और जिसका केंद्र फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो अब मैं एक सर्किल बना लेता हूं, ये सर्किल आ गया, इसका समीकरण निकालना। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर आप इसका समीकरण निकालना चाहते हो तो आपको केंद्र चाहिए और त्रिज्या चाहिए, तो केंद्र और त्रिज्या दोनों ही नहीं दे रखे हैं, तो केंद्र तो निकाला जा सकता है। कैसे? अच्छा स्टूडेंट, ये जो बिंदु है ना, ये इस बिंदु की सीध में होगा, ये जो ए बी है इसके मध्य बिंदु की सीध में ये वाला बिंदु होगा, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो ना, 7 और 2 9, यानी 9/2 और (0), यानी इसके निर्देशांक आप ये कह सकते हो कि एक्स का मान तो 9/2 होगा, एक्स निर्देशांक कितना होगा इसका, 9/2, और वाई निर्देशांक क्या होगा इसका, के होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब बस क्या, केंद्र और त्रिज्या निकाल लो, केंद्र आई गई, तो अब त्रिज्या अगर आप निकालना चाहो तो ये दूरी निकाल लो आप,
एसी दूरी, क्लियर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके, त्रिज्या एसी बराबर आ जाएगी आपके अंडर रूट में दिस माइनस दिस, यानी 9/2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस में के माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके 25/4 और प्लस में के स्क्वायर, तो केंद्र ये हो ही गया, तो वृत्त हो जाएगा आपके x माइनस 9/2 इसका होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर और बराबर में r स्क्वायर, इट मीन्स 25/4 प्लस में k स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 81/4 y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर और बराबर में 25/4 और प्लस का k स्क्वायर। ये के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा और बाकी अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2ky, क्लियर। 81/4 में से 25/4 जाएगा तो कितना रहेगा, तो 81 में से मैं घटा देता हूं 25 तो 6 और ये आ जाएगा 5, 56/4 तो 56 में 4 का भाग दो कितना आएगा 14 आ जाएगा, तो प्लस के 14 बराबर 0, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट अब मैं बढ़ता हूं आगे, और आगे क्या है देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 70 वाला, ये कह रहा है कि निर्देशी अक्षों तथा इस रेखा को स्पर्श करने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दी गई रेखा के नीचे है। एक बात बताओ, पहले तो ये चेक करो कि कौन कौन से सर्किल ऐसे हैं जिनका केंद्र फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसका नहीं आएगा, एक्स का तो पॉजिटिव आएगा वाई का नेगेटिव आएगा, तो इसका केंद्र फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उसके तरीके से हम चलते हैं, ये एक सर्किल में बना लेता हूं, ये सर्किल मैंने बनाया और ये हो गया आपके एक्स एक्स और ये हो गया आपके वाई एक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्देशी अक्षों को स्पर्श भी करना चाहिए और दी गई रेखा को भी स्पर्श करना चाहिए। मान लो ये वो दी गई रेखा है, ये क्या आ गई आपके दी गई रेखा है, मुझे इस वृत्त का समीकरण चाहिए। तो स्टूडेंट इस वृत्त का समीकरण कैसे निकाला जा सकता है सोचो, देखिए अगर इसको भी स्पर्श करता है और इसको भी स्पर्श करता है, तो अगर मैं ये दूरी, अगर ये दूरी h मान लेता हूं तो डेफिनेटली ये दूरी भी h ही होगी, क्लियर। तो बताओ इसका केंद्र आपके क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा आपके h h h हो गया। अच्छा त्रिज्या भी इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या भी आपके h ही होगी, क्योंकि ये जो लंबाई है ना ये भी h के बराबर ही है, तो फिर ये त्रिज्या भी कितनी होगी h ही होगी, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैंने x अक्ष और y अक्ष को स्पर्श करने के प्रतिबंध से तो उसके केंद्र और त्रिज्या निकाल ली। अब क्योंकि ये जो वृत्त हम निकालना चाहते हैं, ये वृत्त जो हम निकालना चाहते हैं वो दी गई रेखा को भी तो स्पर्श करना चाहिए, तो अब इस पर लगा दो आप स्पर्शता प्रतिबंध, क्लियर। तो ये जो समीकरण है केंद्र से डाला गया लंब बराबर वृत्त की क्या होगी त्रिज्या होगी, सिंस केंद्र इसका क्या हो जाएगा एच एच और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी एच हो जाएगी, तो स्पर्शता प्रतिबंध मैं यहां पर क्या ले लेता हूं स्पर्शता प्रतिबंध, और स्पर्शता प्रतिबंध क्या है डाला गया लंब बराबर वृत्त की त्रिज्या एच एच से एल पर लंब बराबर वृत्त की त्रिज्या, तो ये एल रेखा है तो इस पर लंब डाल दो आप 4h प्लस 3h माइनस 6 अपॉन में 5 बराबर में एच आ जाएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट एच का ही तो मान निकालना है, तो एच का मान आते ही पहले तो केंद्र और त्रिज्या दोनों ही पूरी हो जाएगी, ये आ जाएगा आपके 7h, 7h इधर जाएगा तो 5h हो जाएगा, अरे भाई 7h ये इधर जाएगा तो 5h, तो 2h बराबर 6 आ जाएगा और एच का मान कितना जाएगा 3/5। अच्छा मोड नहीं लगाया, सॉरी मोड लगाना जरूरी है नहीं तो गड़बड़ हो जाती थी। अब स्टूडेंट यहां पर अगर इसको सोल्व करोगे तो प्लस माइनस 4h 7h माइनस 6 बराबर प्लस माइनस 5h आएगा, एक तरफ आपको मोड हटाते हैं तो एक तरफ प्लस माइनस आता है,
प्लस लेकर सोल्व करोगे और माइनस लेकर सोल्व करोगे, तो प्लस लेकर सोल्व करोगे तो 2h बराबर 6 यानी h का मान आएगा आपके 3/2, और अगर माइनस लेकर सोल्व करोगे तो 12h बराबर 6 तो h का मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि एच का मान अगर 3/2 मानते हैं तो केंद्र 3/2 हो जाएगा। देखो देखिए किसका केंद्र 3/2 तो किसी का भी केंद्र 3/2 नहीं है क्योंकि इसका केंद्र 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। अच्छा 1/2 भी नहीं है। ये देखो देखिए इसका केंद्र है क्या 1/2 या 3/2 नहीं है। इसको देखो देखिए अगर आप 4 से डिवाइड करवाते हो तो ये समीकरण आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस का 1/4 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका केंद्र आपके क्या हो जाएगा, ये 1/2, 1/2 हो जाएगा। तो h का मान अपने 1/2 आ रहा है, केंद्र क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। क्लियर। तो केंद्र हो जाएगा आपके 1/2, 1/2 जो ए ऑप्शन में है, जो ए ऑप्शन में है। क्लियर। अगर आप 3/2 देखते हो तो वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उसको हमने नकार दिया था। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके 70 वाला। अब मैं 72 वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, और 72 वाले क्वेश्चन का हिंट मैं आपको ऑलरेडी कई बार दे चुका हूं कि वक्र किसी भी प्रकार का हो, वृत्त के किसी बिंदु एच एच पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है। ये मान लो आपके एक सर्किल दे रखा है और इस पर आपको पॉइंट दे रखा है एच एच, इस पॉइंट पर आपको स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है। तो स्टूडेंट अगर आपको स्पर्श रेखा का ढाल निकालना हो तो किसी भी प्रकार का वक्र और कितने ही पावर का वक्र हो, dy/dx निकाल लो, स्पर्श रेखा का ही तो ढाल होता है। तो यहां पर मैं इसका अवकलन करने वाला हूं। अवकलन से t का ढाल क्या हो जाएगा आपके 2x प्लस 2y dy/dx बराबर 0, तो dy/dx ये हो जाएगा आपके माइनस का x/y। क्लियर। अब मुझे dy/dx किस पर चाहिए, hh पर चाहिए। तो hh पर ढाल ये कितना आ जाएगा आपके dy/dx, x की जगह h और y की जगह भी h रखोगे तो माइनस वन आ जाएगा। क्लियर। अब देखो आगे, इस बीच जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, एक भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, एक सिंगल क्वेश्चन भी डिफरेंट नहीं है। क्लियर। और थोड़ा बहुत अगर डिफरेंट है तो आप लोग इसको एहसास कर सकते हैं कि अब चीजें अपने काबू में है। केवल वही क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं अब, क्योंकि आज फोर्थ डे है। क्लियर। बिंदु 1/4 से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण जो एक्स एक्स को इस बिंदु पर स्पर्श करता है। देखो हमें जो वृत्त निकालना है वो एक्स एक्स को किस बिंदु पर स्पर्श करता है, 3, 0 पर, और क्या करता है 1, 4 से जाता है। 1, 4 भी बाउंड्री पर कहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो भी आंसर होगा वो इन दोनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। क्लियर। तो फिर संतुष्टि करवा दो ना, समीकरण क्यों निकालना है। 1, 4 पहले 3, 0 को देख लो, 3, 0 को कौन संतुष्ट कर रहा है, तो पहले वाले में रखते हो ना 3, 0, ये आ जाएगा 3, 0 को संतुष्ट कराते हो, 3, 0 से अगर संतुष्ट करवाते हो तो 9 + 0 + 18 = 0 और प्लस का 9, क्या 0 = 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर ये नहीं हो सकता। 3, 0 इसमें रखो देखिए, तो ये आएगा आपके 9 + 0 - 18 = 0 और प्लस का 9, बिल्कुल ये इसको संतुष्ट कर रहा है 3, 0 को, क्योंकि 9 और 9 माइनस का 18 से कट जाएगा। इसमें रखो देखिए 3, 0 तो 9, 0, 18, 0 और माइनस का 9, नहीं आ रहा 0, तो ये भी नहीं होगा। 3, 0 इसमें रखो तो ये आ जाएगा 9 + 0 - 18 + 0 और माइनस का 9, ये भी नहीं आ रहा है 0। तो स्टूडेंट एक ऑप्शन से ही सरेंडर हो गए तो सारे, अगर दो ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते तो फिर मेरे पास 1/4 और ऑप्शन में था, 1/4 से भी मैं संतुष्ट करवा लेता। क्लियर। और अगर मान लो दो दो संतुष्ट कर जाते, इसको संतुष्ट करने, इन दोनों को संतुष्ट करने वाले दो दो बिंदु होते, तो फिर क्या करते, केंद्र और त्रिज्या निकालते। केंद्र कैसे निकालते, केंद्र हो जाता है इसका 3, k, 3, k हो जाता है, और त्रिज्या उसकी कितनी हो जाती, k हो जाती। क्लियर। तो 3, k और k उसकी त्रिज्या हो जाती, जो आप इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र से निकाल सकते थे। भाई 3k केंद्र और k त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण लिखते पहले, तो फिर k का मान निकालने के लिए इस बिंदु से संतुष्ट करवा देते, k का मान आ जाता वापस उसी में रख देते। क्लियर। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर मेथड था। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये दोनों व्रत एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटते हैं। ये एक व्रत है और ये दूसरा व्रत है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इस प्रकार दो बिंदुओं पर काटते हैं तो दो बिंदुओं पर काटने का प्रतिबंध क्या होता है? दो बिंदु, अगर मैं पूछूं कि C1 सेंटर के निर्देशांक क्या है, अगर ये पहला वाला व्रत S1 है और ये दूसरा वाला व्रत S2 है तो C1 तो क्या हो जाएगा 5,0, R1 कितनी हो जाएगी आपके 25-16 तो ये आ जाएगी 3, C2 सेंटर कितना हो जाएगा 0,0 और रेडियस कितनी हो जाएगी R2 तो R हो जाएगी। क्लियर? अब प्रतिबंध आपको याद होना चाहिए कि अंतःस्पर्श कब करते हैं, बाह्य स्पर्श कब करते हैं, काटते कब हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटेंगे, दो बिंदुओं पर काटेंगे यदि R1-R2 का मोड लेस देन हो C1-C2 और लेस देन हो R1+R2 से। तो R1-R2 यानी ये आ जाएगा 3-R लेस देन, इन दोनों के बीच में दूरी निकालो तो इसके बीच में डायरेक्टली दूरी निकालो ना 5 आ जाएगी और R1+R2 यानी 3+R आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको ग्रुप में सोल्व करना पड़ेगा, तो पहले तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो फर्स्ट जो मैं सोल्व कर रहा हूँ उसमें 5 less than 3+R ले लेता हूँ तो फिर R > क्या आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो सेकंड में मैं क्या लेने वाला हूँ, मोड ऑफ 3-R = 5, मोड हटता है तो प्लस माइनस आता है तो प्लस माइनस लगाकर सोल्व करो तो 3-R < 5। तो यहां से मैं इसको प्लस लेकर सोल्व करता हूं तो ये आ जाएगा आपके R तो इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा तो R > -2 आ जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। अगर मैं माइनस लेता हूं, इधर माइनस लगाता हूं मोड हटाने पर तो ये आएगा 3-R = 5 तो R इधर आएगा और माइनस ले रहा हूं सॉरी यहां पर अगर मैं माइनस लगाता हूं तो माइनस तो प्लस का R तो इधर हो जाएगा और माइनस के 3 को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा R < 8 हो जाएगा। क्लियर? अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक नंबर लाइन पर तीनों को लिख देता हूँ, -2, 2 और 8। तो पहली वाली लाइन तो कह रही कि R का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, ये R का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी वाली लाइन क्या कह रही कि R का मान -2 से बड़ा होना चाहिए तो ये -2 से बड़ा होना चाहिए। तीसरी वाली लाइन क्या करेगी, R का मान 8 से छोटा होना चाहिए तो ये R का मान 8 से छोटा होना चाहिए। तो सबका ही कॉमन एरिया कौन सा दिखाई दे रहा है? तो स्टूडेंट यहां पर सबका ही कॉमन एरिया मुझे ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है जो क्या है 2 > R > 8, ये वाला ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इक्वल वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इक्वल की कंडीशन अपने फॉर्मूले में सिस्टम में है ही नहीं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, ये कह रहा है कि व्रत दे रखा है, इसके सापेक्ष रेखा का ध्रुव क्या होगा, यानी ये ध्रुव ही दे रखी है और आपको ध्रुव पूछ रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं कैसे करने वाला हूं, ये तो आपको व्रत दे रखा है और आपको ध्रुव निकालना है तो मैं मान लेता हूं कि ध्रुव के निर्देशांक X1 Y1 है। मैं क्या मान लेता हूं, ध्रुव के निर्देशांक X1 Y1 है और मैं भी अपनी तरफ से एक ध्रुवी निकाल लेता हूं। क्लियर? फिर मैं जो ध्रुवी निकालूंगा उसको इससे तुलना करवा लेंगे तो X1 Y1 का माना जाएगा। क्लियर? तो मैं कैसे निकालने वाला हूं, माना ध्रुव X1, Y1 है तब ध्रुवी क्या हो जाएगी, ध्रुवी T = 0, इट मीन्स X X1 + Y Y1 - A² = 0। ये आ गई ना। अब स्टूडेंट आप इससे तुलना करो इसकी, तो दोनों की तुलना दी गई रेखा से तुलना कराओगे, दी गई ध्रुवी से तुलना, ध्रुवी रेखा से तुलना। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इसने कहाँ कहा कि ये ध्रुवी है, अरे भाई ध्रुव पूछ रहा है, इस रेखा के सापेक्ष ध्रुव पूछ रहा है, रेखा के सापेक्ष ध्रुव निकालना है तो इसका मतलब ध्रुव के सापेक्ष वो ध्रुवी नहीं हुई क्या? क्लियर? तो कंपेयर कराओगे तो इसमें तो एक्स का गुणांक है X1 और इसमें एक्स का गुणांक है आपके L, इसमें वाई का गुणांक है Y1 और इसमें क्या है M है, इसमें अचर पद है -A² और इसमें अचर पद है N। फर्स्ट को और थर्ड को अगर लेते हो तो X1 का मान हो जाएगा -LA² / N और इसको साथ में लेते हो तो Y1 का मान हो जाएगा -MA² / N
जो आपके इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट मैंने क्या किया यहां पर, मेरी तरफ से ध्रुव मान लिया था, ध्रुव के निर्देशांक मैंने क्या मान लिए थे, x1 y1। तो ये दो मेथड बहुत ही इजी मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसमें कल मैंने आपको एक स्पर्श बिंदु निकालने का भी तरीका बताया था कि आप स्पर्श बिंदु मान लो x1 y1, अपनी तरफ से भी स्पर्श रेखा निकाल लो और दी गई रेखा का समीकरण, दी गई रेखा से तुलना करवा लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्रत दे रखा है, इस व्रत की मूल बिंदु से खींची गई जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपद निकालना है। मूल बिंदु से खींची गई जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपद निकालना है। ये आपके एक व्रत दे रखा है और ये आपके मूल बिंदु दे रखा है, और आपको मूल बिंदु से खींची गई जीवाओं के, ये जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपद निकालना है। तो माना कि मध्य बिंदु x1 y1। क्लियर? मैं क्या मान लेता हूं, x1 y1 मान लेता हूं। अब स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले देखो, जितनी भी जीवाएं होंगी उसका एक बिंदु तो 0 0 पर होगा और बाकी मध्य बिंदु बदलते रहेंगे। तो स्टूडेंट मध्य बिंदु के बिंदु पथ, मध्य बिंदु के जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, टी बराबर एस वन होता है। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सिंस जीवाओं के, जीवाओं का मध्य बिंदु मैं क्या मान लेता हूं, एक्स वन कोमा वाई वन मान लेता हूं। क्लियर? तब मध्य बिंदु का बिंदु पथ, मध्य बिंदु का बिंदु पथ एक्स वन, सॉरी मध्य बिंदु का बिंदु पथ होता है टी बराबर एस वन। तो स्टूडेंट मैं इस पर टी निकाल लेता हूं, तो टी निकालोगे तो आ जाएगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस वाई प्लस वाई वन और बराबर में एस वन, इट मीन्स एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर और माइनस का टू वाई वन। देखो अभी तक मैंने इस जीरो जीरो को काम में नहीं लिया, मैं क्या कर रहा था, अगर आपको एक व्रत का समीकरण दे रखा हो और जीवों का मध्य बिंदु दे रखा हो तो मध्य बिंदु का बिंदु पद आप कैसे निकालते हो, टी बराबर एस वन। अगर मान लो मैं ये कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स बराबर चार एक व्रत का समीकरण है जिसकी जीवाओं का मध्य बिंदु वन टू है, तो इस मध्य बिंदु का बिंदु पथ निकालो, तो मध्य बिंदु का बिंदु पथ इस तरीके से निकालते टी बराबर एस वन। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपने जो निकाली है जीवाएं, जो जिन जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ लिया है वो सारी की सारी जीरो जीरो से जाती, कैसे, व्रत की मूल बिंदु से खींची गई जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पथ मुझे चाहिए, यानी ये जो भी वक्र आया है ये मूल बिंदु से तो जाएगा ही जाएगा। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, जो जीरो जीरो से जाता है, और अगर ये जीरो जीरो से जाता है तो जीरो जीरो इसको संतुष्ट करेगा, तो ये आ जाएगा आपके माइनस का वाई वन और बराबर में एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस का टू वाई वन बराबर जीरो। तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस का टू वाई वन, गुणांक आधा किया ना मैंने, हाँ ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं, और ये उधर जाएगा तो माइनस का वाई बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब आप इसका बिंदु पद ले लेते हो तो आपके आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई बराबर जीरो। तो ये बिंदु पद वाले सवालों में स्टूडेंट मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, आप लोगों को धीरे धीरे ये सारे क्लियर हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन हो गए आपके 84 तक के, अब मैं इसके नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चन ले लेता हूँ। आप लोग इसमें जो बीच में मिस्ड क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, एक भी क्वेश्चन इसमें स्किप करने लायक नहीं है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। अब स्टूडेंट 85 से क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्या है देखो 85 वाला क्वेश्चन, एक वृत्त दे रखा है और इसकी उस जीवा का मुझे समीकरण निकालना है जिसका मध्य बिंदु 1-1। क्या करोगे, पहले डायग्राम बनाओ, ये कह रहा है कि एक सर्किल है और इस सर्किल में मुझे एक जीवा का समीकरण निकालना है, मान लो ये वो वाली जीवा है और इस जीवा का समीकरण निकालो, इस जीवा का मध्य बिंदु आपको क्या दे रखा है, 1-1। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये पूछता हूँ कि इसका समी, इस जो व्रत दे रखा है उसका केंद्र कितना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 0-0 होगा। तो अगर आप इस रेखा का समीकरण निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, तो पहला प्रयास तो ये करो कि जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें से कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो 1-1 को सेटिस्फाई करते हैं, तो 1-1 को सेटिस्फाइड करने वाला ओनली एक ही आंसर है, ये आंसर होगा इसका। क्लियर?
प्रॉपर मेथड क्या होगा कि आपको एल का समीकरण निकालना, आपको क्या करना होगा, पहले इस सी एम का समीकरण निकालना होगा। किसका समीकरण निकालना होगा? सी एम का। तो स्टूडेंट मैं सी एम का समीकरण निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ सी एम क्या आ जाएगा? वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन। यह आ जाएगा वाई या फिर एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक्स, और जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। ये तो सी एम लाइन है, क्योंकि एल लाइन सी एम इज परपेंडिकुलर टू एल, क्योंकि जीवा का मध्य बिंदु जब सी से मिला दिया जाता है तो ऑब्वियसली वो लंब समति वचनित हुआ। इसका मतलब ये एल का सी एम की लंबवत है, और लंबवत है तो फिर एल का समीकरण क्या हो जाएगा? एल का समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर के, क्योंकि इसमें एक्स प्लस वाई है, इसमें एक्स माइनस वाई। अब सुनेंगे इसको संतुष्ट करेंगे, जो एम वन माइनस वन से जाती है, वन माइनस वन से जाती है तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स सॉरी वन प्लस वन बराबर में के। तो के का मान कितना गया? टू आ गया। तो के का मान टू इसमें रखोगे तो एल बराबर आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर में। क्लियर? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो शंकु का समीकरण हम निकालते हैं ग्रेजुएशन में, शंकु बेलन इनका समीकरण हम निकाल देते हैं, याद है ना, गोला शंकु बेलन ऐसे पढ़ते हैं। तो उसमें शंकु का समीकरण निकालने का एक समघात तरीका भी दिया होता है कि आप समीकरण को समघात भी बना सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर मूल बिंदु से जाने वाले शंकु का समीकरण निकालना हो, देखो क्या होता है फंडामेंटल में आपको बता देता हूँ कि यदि आपको इसका समीकरण दे रखा हो जनरेटिंग कर्व का और एक जनक रेखा दे रखी हो, और अगर आपको ये कहा जाए कि ये दोनों लाइन जीरो जीरो से जा रही है, अगर ये आपको कहा जाए कि दोनों लाइन कहाँ से जा रही है, जीरो जीरो से, तो फिर आपको एक तरीका सिखाया जाता है कि आप इसको समघात बनाकर भी समीकरण को निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट यही काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, क्या एक रेखा देती है और एक वृत्त देता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टू, इसके प्रतिच्छेद बिंदु से इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखाएं अगर परस्पर लंबवत हो तो सी का मान कैसे? अगर मैं आपको ये पूछूं कि सी वन कितना है तो सी वन का मान है आपके जीरो जीरो, और आर कितनी है तो आर हो जाएगी आपके अंडर रूट। अब इसका डायग्राम मैं करता हूं, कैसे करना है? ये तो हो गया आपके वो सर्किल जो दे रखा है, देन ये हो गई आपके वो लाइन, ये गिवन लाइन, और ये हो गया इसका सेंटर जिसके निर्देशांक क्या है? जीरो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखा व्रत के प्रतिच्छेद बिंदुओं को, इस रेखा और इस व्रत के प्रतिच्छेद बिंदु, ये वाले बिंदु अगर इनको मिला दिया जाए मूल बिंदु से, तो ये मिला दिया हमने मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से मिलाने पर ये रेखाएं परस्पर क्या है? लंबवत है। तो मुझे क्या करना है? सी का मान। तो स्टूडेंट सी का मान कैसे निकालोगे? सोचो, देखिए क्या तरीका हो सकता है जिससे हमने सी का मान। तो स्टूडेंट सी का मान निकालने के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे? सोचो, मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो रेखा है आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली रेखा है, इसको L1 कह देता हूँ और इसको L2 कह देता हूँ, इसका संयुक्त समीकरण निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ मैं? इसका संयुक्त समीकरण। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसका संयुक्त समीकरण L1 by L2 का, L1 by L2 का संयुक्त समीकरण दी गई रेखा एल व व्रत को समघात में बदलने पर ही आ जाएगा, समघात में। हालांकि ये मेथड हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, बदलने पर प्राप्त होगा ये। तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं समघात में बदलता हूं तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी द्विघाती है, वाई स्क्वायर ऑलरेडी द्विघाती है, और ये आपके टू आ गया, और एल रेखा को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? वाई माइनस टू अंडर रूट टू एक्स अपॉन में सी बराबर में ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर एक बात बताओ,
यहाँ पर टू पावर है, यहाँ पर टू पावर, यहाँ पर टू इंटू वन का स्क्वायर मान सकते हो ना कि ये वन का स्क्वायर हो गया। तो अगर आपको समघात बनाना है, ये समघात बनाने का जो तरीका है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद हो जाएगा कि यहाँ पर वन का स्क्वायर कहाँ पर पढ़ा होगा, तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति या फिर जेपीएच वाली बुक पढ़ते हो, तो उसमें टू डी और थ्री डी ज्यामिति है, टू डी और थ्री डी ज्योमेट्री, उसमें बेलन, शंकु और गोला, इनके टॉपिक है। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर मैं समघात बनाता हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में टू वाई माइनस टू अंडर रूट टू एक्स अपॉन सी, इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये L1 और L2 का संयुक्त समीकरण आ गया, अगर मैं इसमें गुणा करवाता हूँ ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में इसका होल स्क्वायर खोलते हुए लिख रहा हूँ टू वाई स्क्वायर, फिर ये गुणा होगा तो ये आठ तो एक उधर जाएगा प्लस के 16 एक्स स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी ये हो जाएगा माइनस का 8 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 16, वाई स्क्वायर कॉमन लेते हो तो सी स्क्वायर माइनस 2 और इसको भी इधर ले हो तो प्लस का 8 अंडर रूट 2 एक्स वाई बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग बताओ कि जब हमने बिंदु वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर मान लो संयुक्त समीकरण दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण आपको दे रखा हो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy 2gh 2fy प्लस c बराबर 0, अगर दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण दे रखा हो तो उस दोनों संयुक्त समीकरण कब लागू होंगी, जब x स्क्वायर के गुणांक का योग और y स्क्वायर के गुणांक का योग 0 हो, यानी a प्लस b बराबर क्या हो 0, बिंदु वाला टॉपिक आप देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये L1 व L2 लंबवत है, और अगर ये लंबवत है तो फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर के गुणांक का योग क्या होगा 0 होगा। तो ये रिजल्ट अगर आप 0 लिखते हो तो आप क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 0 है। क्लियर? इसमें ये क्वेश्चन हो गया कौन सा वाला, एक तरीका तो ये है और एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, और वो तरीका क्या है कि आप ये कटान बिंदु भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ से y का मान निकाल कर इसमें, क्लियर, x के दोनों मान आ जाएंगे उसके संदर्भ y के दोनों मान आ जाएंगे। देखो बात ध्यान से, अगर ये किसी को मेथड समझ में नहीं आया तो मैं उसको ये कहूँगा इसकी सहायता से और इसकी सहायता से कटान बिंदु निकालना, जैसे ये कटान बिंदु भी अगर ये कटान बिंदु भी आता तो फिर इस L1 का टान निकाल लेना, L2 का टान निकाल लेना और L1 L2 का अगर माइनस वन से। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, Lx प्लस My बराबर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक रेखा दे रखी है जो दिए गए वृत्त को क्या करती है स्पर्श करती है, तो मुझे Lm का क्या चाहिए बिंदु पर चाहिए। एक बात बताओ, ये दी गई रेखा जब इस वृत्त को स्पर्श करेगी तो स्पर्शता प्रतिबंध का तो पालन करेगी ना, ये तो हो गया आपके सर्किल और ये हो गई आपके रेखा। अगर ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती है तो वृत्त का जो केंद्र है आपके 0 0, इससे इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी ये जो P लंब है ये किसके बराबर होना चाहिए, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो L रेखा आपको ये दे रखी है, ये S दे रखा है, क्लियर, तो स्पर्श रेखा होगी L S को स्पर्श करती है तो P बराबर क्या होगा A होगा, P का मतलब डाले गए लंब की लंबाई, तो 0 0 से इस रेखा पर लंब डालोगे P बराबर A हो जाएगा, और 0 0 से जब आप इस रेखा पर लंब डालोगे तो क्या आएगा L इंटू 0 M इंटू 0 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और बराबर में क्या आ जाएगा आपके त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आपकी A है, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल में A स्क्वायर और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। Lm का बिंदु पद लेना है तो Lm का बिंदु पद लेने का मतलब L की जगह X और Y की जगह M की जगह Y, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बराबर में A। ये अब आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये क्या कर रहे हैं,
एक वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसकी 2L लंबाई वाली जीवाओं के मध्य बिंदु का आपको क्या चाहिए, बिंदु पद चाहिए। मैं एक सर्किल बना देता हूं यहां पर और सर्किल से ये समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रहे हैं। क्योंकि इसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या इसकी क्या है, ए है, यानी सी बराबर आपके 0 0 और आर कितनी हो जाएगी इसकी, ए हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वृत्त की 2L लंबाई वाली जीवा, मान लो 2L लंबाई की जीवा ये है, इस जीवा को मैं क्या करता हूं ए से लेकर बी, इसकी लंबाई कितनी है 2A। अगर इसकी लंबाई सॉरी 2L लंबाई की जीवाओं के मध्य बिंदु, ये मान लो मध्य बिंदु, इसका मुझे बिंदु पर चाहिए। अब अगर आपको इसका बिंदु पर चाहिए, ध्यान रहे ये ए बिंदु वाई एक्स पर और बी बिंदु एक्स एक्स पर नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, तो इस ए बी की लंबाई कितनी देर गई 2L देर गई। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो स्टूडेंट यहां पर एक काम करता हूं मैं, इस एम को मिला देता हूं केंद्र से, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु जिसका बिंदु पद निकालना है उसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो एक्स वाई, क्लियर। मैंने इस एम बिंदु को कहां से मिला दिया 0 0 से, क्लियर, और इस बिंदु को भी मैं मिला देता हूं यहां से, तो ये आपके ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ओ ए एन, ये क्या दिख रहा है ट्राइंगल दिख रहा है, क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर कैसे करूंगा, सेंस ए बी बराबर आपको क्या दे रखा है 2L दे रखा है, तो ए एम बराबर एम बी बराबर एल हो जाएगा, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा ओ से एम को मिलाने पर, ओ से एम को मिलाने पर जो रेखा आएगी वो ए बी की लंबवत होगी, क्यों लंबवत होगी, क्योंकि यहां पर ये जीवा का समद्विबाह होगा, तो केंद्र को जब जीवा के मध्य बिंदु से मिलाते हैं तो वो जीवा पर लंबवत होता है, तो इसका मतलब तो ये ए एम ओ संपूर्ण त्रिभुज इंप्लाइज है, त्रिभुज ए एम ओ में क्या हो जाएगा आपके ए ओ स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये होगा ना, ए ओ तो त्रिज्या है ए स्क्वायर के बराबर, ओ एम दूरी सूत्र से निकाल लो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और ए एम तो ए एम कितनी होगी, तो ए एम का मान आपके एल के बराबर मान दिया जाएगा एल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस में एल स्क्वायर, कौन सा आंसर ये होगा, नहीं ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये होगा, क्लियर। अब देखिए आप नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कि उस वृत्त का समीकरण, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो वृत्त को लंबवत काटता है, हमें ऐसे वृत्त का समीकरण चाहिए जो दिए गए वृत्त को लंबवत काटता है और जिसका केंद्र आपको क्या दे रखा है 0 0 दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं इस वृत्त का केंद्र आपको क्या दे रखा है 0 2 दे रखा है। अब स्टूडेंट एक बात बताओ 0 2 केंद्र वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा, 0 2 केंद्र तथा आर त्रिज्या वाला वृत्त आप लोग मान सकते हो, त्रिज्या वाला वृत्त क्या हो जाएगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और बराबर में आर स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस का 4 माइनस आर स्क्वायर बराबर में 0, ये तो आएगा। मुझे इस वृत्त का समीकरण निकालना है, अब स्टूडेंट इस वृत्त का अगर आपको समीकरण निकालना है तो इसमें आप आर का मान तो निकालना चाहोगे, कैसे आएगा, क्योंकि ये जो वृत्त है ये दिए गए वृत्त को लंबवत काटता है और लंबवत काटने के लिए क्या होता है 2g1g2f1f2 बराबर c1 c2 होगा, सिंस यह वृत्त, यह वृत्त दिए गए वृत्त को लंबवत काटता है और लंबवत काटता है, तो फिर 2g1g2 प्लस 2f1f2 बराबर c1 प्लस c2 हो गया। g1g2 कितना है, तो g1 का मतलब इसमें x के गुणांक का आधा 2 × −7, g2 का मतलब इसमें x के गुणांक का आधा है नहीं 0, f1 तो यह आ जाएगा आपके 3
एफ टू इसमें कितना जाएगा माइनस का टू आ जाएगा, क्लियर। सी वन इसमें कितना है टू, इसमें कितना है फोर माइनस में आर स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा आपके माइनस का बारह, ये हो जाएगा छह माइनस में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी अट्ठारह और आर बराबर आ जाएगा आपके फोर माइनस आर स्क्वायर और प्लस का टू, तो आर स्क्वायर का मान घर आ गया, ठीक है आर स्क्वायर का ही तो चाहिए मुझे, क्लियर। आर स्क्वायर का मान रखोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, और जिसमें अगर यहाँ पर अठारह रखते हो तो फोर माइनस एटीन बराबर जीरो, तो कौन सा आंसर होगा ये वाला आंसर होगा, क्लियर। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो दिए गए परवलय के शीर्ष से भी जाता हो तथा इस परवलय की जो नाभि लंबन उसके सिरों से भी जाता हो। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये जो परवलय आपको दे रखा है y स्क्वायर बराबर एट एक्स, क्या आपको नहीं लगता ये जीरो जीरो है, इसका शीर्ष क्या है, शीर्ष इसका क्या हो जाएगा जीरो जीरो। जो y स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स है फर्स्ट टाइप का है, मुझे उस वृत्त का समीकरण निकालना है जो इस परवलय के शीर्ष तथा इस परवलय की जो नाभि लंब जीवा है उसके सिरों से। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, इस पैराबोला का डायग्राम बना देता हूं, ये फर्स्ट टाइप का एक पैराबोला, ये एक्स एक्स और ये हो जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस परवलय के शीर्ष, तो शीर्ष का निर्देशांक तो फटाफट मिल गया जीरो, ये तथा इसके नाभि लंब जीवा के, अच्छा नाभि लंब जीवा तो बाद में निकलेंगे, पहले मुझे बताओ ये y स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स है, तो इसकी नाभि क्या होती है ए जीरो, ये इसकी नाभि ए जीरो, फोकस, ये क्या होती है ए जीरो। नाभि लंब जीवा क्या होती है, नाभि से जाने वाली रेखा जो उसकी एक्स के लंब, ये नाभि लंब जीवा, तो आपको इस बिंदु के और इस बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो सुनेंगे इस बिंदु के और इस बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो कैसे आएगा देखो, अगर मैं आपको ये कहूं कि ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे तो आप ये कह सकते हो कि इसमें एक्स निर्देशांक तो ए ही होगा क्योंकि ये रेखा वाई एक्स के समानांतर है, तो बताओ बिंदु ए जीरो से जाने वाली रेखा का समीकरण जो वाई एक्स के समान होगा, एक्स बराबर ए नहीं होगा, इस पूरी ही रेखा पर एक्स का मान तो ए है, यानी ये बी बिंदु भी है, इसमें भी एक्स का मान क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, वाई निर्देशांक चाहिए, मुझे एक बात बताओ ये बिंदु ए परवलय पर, तो परवलय पर अगर आप एक्स का मान ए रखोगे क्या पता चलेगा, अच्छा ए का मान कितना है दो है, ए का मान कितना है दो हो जाएगा, ये टू जीरो बन जाएगा, और ये भी कितना जाएगा टू बन जाएगा, ये भी कितना जाएगा आपको टू बन जाएगा, तो अब x बराबर टू रखोगे तो y स्क्वायर बराबर सोलह, तो y बराबर प्लस का चार और y बराबर माइनस का चार, ये सारे ही बिंदु कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसमें ज्यादा लगनेबाजी नहीं है, आपको जो वृत्त निकालना है ये वाला है, इस वृत्त का आपको समीकरण करना है जो तीनों शीर्षों से निकलता है, तो स्टूडेंट एक बात देखो वो तो हम निकाल लेंगे, संतुष्ट करवाने से कैसे जीरो जीरो को संतुष्ट करो, टू फोर को सेटिस्फाई करो, टू माइनस फोर को भी सेटिस्फाई करो, तो ऐसा एक ही होगा जो तीनों को संतुष्ट करेगा, जीरो जीरो को तो सभी संतुष्ट कर रहे हैं, टू फोर को कौन संतुष्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो प्लस के ही, टू फोर इस पर यह रहेगा चार और सोलह बीस और माइनस का चालीस, सॉरी माइनस का बीस ये कर रहा है, और इसमें रखोगे एक्स की जगह टू यह रहेगा फोर और इसमें एक्स वाई की जगह रखोगे सिक्सटीन और माइनस का ये भी आना, ये आंसर तो संतुष्ट करने वाला एक मात्र होगा, अगली बात समझ में, तो स्टूडेंट इस तरीके से आप संतुष्ट कर सकते हैं। प्रॉपर मेथड क्या हो, आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर मेथड पहले मैं इसका लिख देता हूं, सिंस नाभि लंब के सिरे, नाभि लंब जीवा के सिरे, जीवा के सिरे ये हो जाएंगे टू फोर और टू माइनस फोर, सिंस ये पॉइंट सी को संतुष्ट कर दे, सी को संतुष्ट कर दे, तो सी को संतुष्ट करते हैं तो सी आंसर हो जाएगा, और क्या क्लियर।
अब स्टूडेंट यहाँ पर जो सी बिंदु को संतुष्ट करते हैं तो बस ये आंसर हो गया। और अब मैं इसका दूसरा मेथड बताने की बात कर रहा था, और दूसरा मेथड क्या है, ले सर्किल की समीकरण जो आपको निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो है। अब अगर आप इसको जीरो जीरो से संतुष्ट कराओगे, जब आप इसको टू फोर से संतुष्ट कराओगे, जब आप इसको टू माइनस फोर से संतुष्ट करवाओगे तो आपके जी का मान भी आ जाएगा, एफ का मान भी आ जाएगा, सी का मान भी आ जाएगा, इसमें रख देना आपका काम कंप्लीट। ये क्वेश्चन अब आपको आगे बढ़ाना सेकेंड मेथड। अब देखिए आप नेक्स्ट 102 वाला क्वेश्चन, एक वृत्त का केंद्र माइनस वन कोमा वन है, यदि यह है रेखा, एक वृत्त का केंद्र आपको देखा है माइनस वन कोमा वन, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त है और उसका केंद्र आपको देखा है माइनस वन कोमा वन, यदि यह है वृत्त, यदि यह वृत्त इस रेखा को स्पर्श करता है तो स्पर्श करने की स्थिति बना लो, ये वो रेखा हो गई दी गई जो इस वृत्त को क्या करनी है, स्पर्श करनी है। हमें क्या बताना है इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक बताने, क्या बताना है इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक बताने, ये एम जो बिंदु है इसके निर्देशांक बताने, कैसे बताओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एल एक वृत्त का केंद्र माइनस वन कोमा वन है, यदि एक रेखा L इस वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। एक बात देखो, जो भी आंसर होगा M का जो भी आंसर होगा वो इस रेखा को तो संतुष्ट करेगा, तो इस रेखा को तीन तीन तो संतुष्ट कर ही नहीं रहा है, माइनस तीन कर रहा है और ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, ये तो तीन तीन संतुष्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप क्या करोगे, ये जो सी एम है ना सी एम, इसका समीकरण निकाल लो, सी एम समीकरण सी एम का समीकरण आ जाएगा अपने पास, फिर एल रेखा और सी एम का कटान बिंदु क्या होगा, स्पर्श बिंदु, क्लियर। तो सी एम का समीकरण कैसे निकालोगे, सी एम का समीकरण, तो क्योंकि ये एल रेखा पर लंबवत है, सी एम लंबवत है एल पर, तो सी एम का समीकरण आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, टू एक्स माइनस वाई बराबर के, क्लियर। अब ये के का मान कहां से निकालोगे, तो माइनस टू कोमा वन से जाता है, सॉरी माइनस वन कोमा वन से जाती, जो माइनस वन वन से जाती तो फिर आ जाएगा माइनस का टू माइनस का वन बराबर के, तो के का मान कितना आ गया माइनस तीन आ गया। अब ये के का मान माइनस तीन अगर मैं इसमें रखता हूं तो टू एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया माइनस थ्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग या तो इस रेखा को इसको सरल करके वो बिंदु निकाल दो, ये सी एम व एल को हल करने पर जो भी आंसर आएगा, मैं क्या करने वाला हूँ, ये तीनों जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे ना इसमें से देख लेता हूँ कि इसको कौन संतुष्ट करता है, जो इसको संतुष्ट करेगा वही आंसर है। तो माइनस थ्री इसमें रखोगे तो माइनस का सिक्स और प्लस का थ्री, बिल्कुल यही आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। ये रख के देख लो आप, जब आप ये रखते हो यह आ जाएगा वन और यह आ जाएगा प्लस का फाइव, तो सिक्स बराबर होता है क्या माइनस, अब ये रिजेक्ट हो गया, वन माइनस वन माइनस फोर रख दो तो ये माइनस का वन और ये प्लस का फोर, तो माइनस टू और प्लस का फोर बराबर नहीं होगा, ये भी हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस टू का माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेखा देखिए, इस रेखा का इस वृत्त के सापेक्ष मुझे ध्रुव निकालना, यानी एक तरीके से ये रेखा ध्रुव ही तो दे रखी है आपको, ये ध्रुव ही तो दे रखी है। तो स्टूडेंट यहां पर अगर आप ये वृत्त बना लेते हो, ये हमने वृत्त बना लिया और इस बिंदु के निर्देशांक मुझे निकालने हैं और इस बिंदु के सापेक्ष आपको ध्रुव ही दे रखी है, एक तरीके से क्या दे रखी है, ध्रुव ही दे रखी है। तो स्टूडेंट जब जब आपको ये बिंदु निकालना होगा, मैंने आपको क्या कहा, इस बिंदु को मान लिया करो एक्स वन वाई वन मान लिया करो, और आपको भी क्या करना है, इस बिंदु के सापेक्ष इस वृत्त की ध्रुवी निकाल लेनी है और इससे तुलना कर लेनी है, ये तो मैं यही करने वाला हूं। ले x1 y1 ध्रुव, तो ध्रुवी क्या हो जाएगी, ध्रुवी हो जाएगी आपके 2x x1 2y y1 माइनस का 3 बटे 2 x प्लस x1 और 5 बटे 2
वाई प्लस वाई वन और माइनस का सात बराबर में जीरो, क्लियर। इन सबको इधर ले, इन सबको में मतलब दो से पूरी को गुणा करना, तो फोर एक्स एक्स वन फोर वाई वाई वन माइनस थ्री एक्स वन प्लस फाइव वाई वन और माइनस के चौदह बराबर में जीरो है, क्लियर। अब स्टूडेंट इसमें x वाले जितने भी पद हैं उनको एक जगह लिखो, तो 4x1 माइनस 3 y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 4y1 प्लस 5 और कांस्टेंट कौन से हो जाएंगे, तो 5y1 और माइनस के 14 बराबर जीरो। तो इस समीकरण की मैं इससे तुलना कर लेता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या माना, एक ध्रुव माना और मेरे अनुसार मैंने ध्रुव भी निकाला। अब मेरे अनुसार जो ध्रुव ही निकली है उसको अगर मैं इससे तुलना कर लेता हूं तो फिर उसके संगत वाला ही तो ध्रुव आएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट इसकी और इसकी अगर मैं तुलना कर रहा था तो तुलना करवाने पर क्या होगा, देखो 4x1 माइनस 3 इसमें x का गुणांक नहीं और इसमें x का गुणांक क्या आ जाएगा, इसमें y का गुणांक क्या है 4y1 प्लस 5 और इसमें y का गुणांक कितना है 1 है। फिर अचर पद की अगर मैं बात करूं तो माइनस का 3x1 भी इधर है, ये माइनस का 3x1 प्लस 5y1 और माइनस के 14 बराबर जीरो, तो माइनस 3x1 प्लस 5y1 माइनस 14 अपॉन में कितना जाएगा 28 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग इसको सॉल्व कर लो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो जब पहले वाले को आप रखते हो, पहले वाले को अगर आप रखते हो 3 माइनस 1 को x बराबर 3 और y बराबर माइनस 1, तो पहले इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन को चेक कर लो, x की जगह 3 और y की जगह माइनस 1 रखोगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बटे 1 1 होगा, और फिर इसमें रखोगे y की जगह माइनस 1 तो माइनस का 4 और 5 1 बटे 1 यानी संतुष्ट कर रहा है। यही y1 यही बिंदु इसमें भी रखो, क्लियर। तो ये y1 रखोगे ये तो 1 आ ही रहा है, माइनस 1 रखोगे तो माइनस का 4 और 5 प्लस का 1 बटे 1 यानी ये तो 1 है, इसमें आप x की जगह तो 3 रख दो और y की जगह माइनस 1 रखोगे तो माइनस का 9 और माइनस के 5 माइनस के 14 माइनस 14 और माइनस 14 माइनस 28 माइनस के 28 और प्लस के 28 सॉरी ये माइनस का 28 क्लियर। तो माइनस 28 क्या माइनस 28 क्या हो जाएगा, बन ये भी बनी था, तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके 3 माइनस, या तो दो दो कॉम्बिनेशन लेकर समीकरण बनाओ या फिर संतुष्ट करो, क्लियर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, उस पर भी हम विचार कर लेते हैं क्या है वो सवाल। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक रेखा इस व्रत को इस व्रत के बाहर स्थित है, ये आपको एक व्रत दे रखा है और ये एक रेखा दे रखी है, ये रेखा इस व्रत के बाहर है और इस व्रत का केंद्र क्या है, तो इस व्रत का केंद्र है 0.10, इस व्रत का केंद्र क्या हो जाएगा आपके 0.10 हो जाएगा और आर का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, यह आ जाएगा अंडर रूट में 10, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये रेखा इसके बाहर स्थित है, अगर बाहर स्थित है तो ये जो पी है डाले गए लंब की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए आर से, क्लियर। सिंस रेखा एस के बाहर है, एस के बाहर है, इसका मतलब पी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो अब इसका इस केंद्र से मैं इस रेखा पर लंब डाल देता हूं, यह आ जाएगा एम एक्स माइनस वाई और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस वन, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए आपके ए से, और त्रिज्या कितनी तो अंडर रूट 10 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यह आ जाएगा ए 10 और ग्रेटर देन अंडर रूट में 10 और एम स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस वन है, क्लियर। अब इसको अगर आप काटते हो तो क्या आंसर आएगा, अंडर रूट 10 तो इधर आ जाएगा तो अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 कट जाएगा, अंडर रूट 10 इज ग्रेटर देन एम स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, क्लियर। अगर आप वर्ग करते हो, अगर आप वर्ग करते हो तो यह आ जाएगा 10 या एम स्क्वायर प्लस वन इज लेस देन 10 मीन्स एम स्क्वायर इज लेस देन 9 मोड ऑफ एम इज लेस देन 3 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा, क्लियर। तो स्टूडेंट ये था आज का टॉपिक, आज के टॉपिक में थोड़ी सी मेरी लास्ट लेक्चर में एनर्जी कम थी,
हमेशा तबियत अप एंड डाउन चलते रहते हैं। प्रयास मैंने भरसक किया है आप लोगों के लिए, चीज़ें आप लोगों तक समय पर पहुँचती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में और एनर्जी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलते हैं। तब तक आप इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन कर लेना नेक्स्ट सैटरडे और संडे, क्योंकि आज मैं फ्राइडे को शूट कर रहा हूँ तो ये सैटरडे को अपलोड होती है क्लास, ठीक है। एक दिन प्रीवियस शूट होती है, नेक्स्ट डे अपलोड होती है, तो इट मीन्स सैटरडे और संडे को मैं क्लास लेता ही हूँ। सैटरडे और संडे दो दिन की छुट्टी है। तब तक आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, सारे क्वेश्चन इसके निकालें, सारे क्वेश्चन मैं इतना ही जोर लगा लूँगा वो सब गौण है अगर आप जोर नहीं लगा रहे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको करने हैं। वो सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सब आप लोग एक बार सॉल्व करें, आपको और अच्छा लगेगा। और ऐसे डायग्राम बना बना के क्या करें, क्लियर। थोड़ी बहुत समस्या आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो समय के साथ फिर सॉल्व होते रहेंगे, लेकिन जो राउंड अपना चल रहा है वो बेस्ट होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।